नारा आया था स्वराज मेरा जनशील अधिकार है। लेवल बहुत हार्ड था। सिख फर्स्ट गुरु क्या थे? इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा फायदा मिलता है। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का केवल सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 21 जनवरी, यहां दोस्तों FCI AG 3 जो है थर्ड शिफ्ट का एग्जाम लगभग खत्म हो चुका है। तो चलिए कैंडिडेट से बात करते हैं, जानते हैं किस लेवल का एग्जाम आया, उनका एग्जाम कैसा गया। आइए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हमने किए 65 किए। 65 सर, आपको लेवल कैसा लगा एग्जाम का? लेवल बिल्कुल इजी था। इजी था मतलब जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। हाँ, इसमें आया था जी, जो स्वराज मेरा जन से अधिकार है जी, किसने किया ये आया था, हाँ ये था। और एक वो वायुमंडल में मतलब वायु में कौन सी गैस पाई जाती है? हाँ, वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? पाई जाती है। और करंट से कुछ याद है? करंट से तो वो पुराना है, पुराना करंट आ रहा है। और सर मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं? कोई सरलीकरण आ रहा है कि चेंज हो गया है कुछ? नहीं, कुछ उसमें सरलीकरण आ रहा। कितने नंबर का? वो उसमें 5 आ रहा है। 5 के सरलीकरण और उसके सरलीकरण होगा और LCM, हाँ एक उसमें LCM आया था और एक आयु का था। अच्छा, नंबर सिस्टम के दो थे। अच्छा, लाभ हानि टाइम एंड वर्क वो एक सभी के एक कार्ड एडवांस में तो आ रहा है कि नहीं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं आ रहा। सर रीजनिंग में किस टॉपिक से ज्यादा आ रहा है? रीजनिंग में एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया। सर पजल कितने आ रहे हैं? पजल एक एक मतलब सर पिछली शिफ्ट में तो कम से कम 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे, 5-5 आ रहा है। अच्छा 5। इस बार आपके में सेटिंग के कितने आए? सेटिंग के कितने क्वेश्चन है? बैठक वाले 3 आए थे। अच्छा 3 वो आए थे। नंबर सीरीज आ रही है? नहीं। अच्छा बोले ब्लड रिलेशन एक आया। अच्छा, एक उससे आता सर। घड़ी कैलेंडर आया? नहीं ये नहीं आया। ये नहीं आ रहा। और सर कटिंग फोल्डिंग वाले कोई आकृति वाले? नहीं नहीं जी। ये भी इंग्लिश कैसी आई? इंग्लिश इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम थी और फ्रेंक डी ब्लैंक थे। स्पेलिंग वाले थे? वोकैब वगैरह? नहीं वो नहीं थे, मतलब उसमें पैरा पैरा पैराग्राफ था वो छांटने के लिए छांटते हैं। अच्छा सर पैराग्राफ सरल था कठिन? नॉर्मल था। अच्छा नॉर्मल था, मतलब पॉसिबल जे नहीं मॉडल आर्टिकल और एरर थे। अच्छा एरर डिटेक्शन। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहेंगे? मतलब हम उन्हें ये कहना चाहेंगे कि जो इसमें आ रहे हैं वो भी साथ में करें और जो उसमें नहीं आए हैं अभी उनका वो भी टॉपिक साथ में करें, क्योंकि उससे जो होता है कि कभी कभी वो भी रख देते हैं जो अभी नहीं आया। सर आपके हिसाब से शिफ्ट का कितना कट ऑफ बन सकता है? मतलब उसमें अगर जैसे 70-72 अगर हुआ सही हो रहे हैं 70 हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन अराउंड 75-76। अच्छा सर लेवल कैसा लगा एग्जाम का? रीजनिंग क्या है, मैं SSC का स्टूडेंट हूँ तो रीजनिंग मेरे को इतनी आई नहीं। हाँ। बाकी मैथ ठीक था। अच्छा, इंग्लिश इजी थी और GS तो बहुत इजी थी। अच्छा, बहुत ज्यादा इजी थी। जीके के कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। फेमस क्वेश्चन जीके क्वेश्चन बताते हैं यार, बिल्कुल बताते हैं, सारे बता देंगे। देखो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, प्रोडक्ट तो जो फोटोसिंथेसिस का वो क्या होता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ गैस इन एयर कितनी है, कॉन्टेंट ऑफ सहारा मतलब किस कॉन्टिनेंट में है वो सहारा डेजर्ट, एल्कोहल किससे मतलब हाँ किससे बनता है, ईस्ट था उसका। सिख फर्स्ट गुरु क्या थे? इंसेक्टिवोरस प्लांट आए थे। एवरेज इनकम देन LIC हेडक्वार्टर लीडर बैटल ऑफ प्लासी में लीडर कौन थे? और इंग्लिश मैन क्लाइव थे यार उसका। मास्टर ग्लैंड फेमस ही है। विच वन ऑफ गेट फ्रॉम सकिंग मतलब खींच के मतलब चूस के कौन फूड का मतलब हमिंग बर्ड, शायद हमिंग बर्ड है मेरे को यहाँ तक पता है। नंबर बजट प्रेजेंटिंग PM मुरारजी देसाई। स्वराज स्लोगन किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। GNPT पोर्ट कहाँ पर है? तो अपना GNPT महाराष्ट्र। डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो। और जायद ग्रुप कौन सी है? तो सारे ही सही थे उसमें, खरबूजा तरबूजा। करंट यार मैंने उतनी पढ़ी नहीं थी यार, क्यों झूठ बोलूं मैं, तो करंट उतना मुझे पता नहीं है। साइंस यार साइंस में यही आया था बस, ये अल्कोहल किससे बनता है, ईस्ट। एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ यार फिजिक्स बायोलॉजी कुछ नहीं देखी मैंने तो। सर मैथ में किस टॉपिक से याद आ रहा है? मैथ देखो सिंपलीफिकेशन इजी थी, परसेंटेज भी था, मिक्सचर से भी था। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग था। हाँ सर और रीजनिंग में? रीजनिंग यार देखो मैं क्या SSC का स्टूडेंट हूँ तो मेरे से पजल बनी ही नहीं। अब जो पजल ज्यादा थी, दो पजल आई थी बराबर, एक में 6-7 क्वेश्चन थे और एक में भी 6-7 दो पजल थी। अच्छा, एक तो ठीक बन गई थी, एक नहीं बनी थी मेरे साथ। इंग्लिश सर इंग्लिश में बताइए कैसा क्या रहा? इंग्लिश में जो कॉम्प्रिहेंशन था वो 6-7 थे। और जो सिनोनिम सिंटम्स इजी थे यार, मेरे को आ गए थे। अब दूसरों का नहीं पता। सर आपके हिसाब से मतलब कितना कट ऑफ बन सकता है इस शिफ्ट का? कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, नहीं बता सकता कोई जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। सर जिन लोगों का आगे एग्जाम आपने क्या बताना चाहिए? या देखो करंट अजीब सी आई है,
करंट थोड़ा देखें सर, मैथ में कुछ बता दीजिए। मैथ में सिंपलीफिकेशन पहले करें, मैं मानता हूँ देखो स्टार्टिंग के जो तीन चार क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंथी थे यार, टाइम टेकिंग लाइक था तो सब कुछ उसमें दिया हुआ लेकिन करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन सिंपलीफिकेशन पहले पकड़े। अच्छा, पीछे का जो सिंपलीफिकेशन ऐसे था कि मुश्किल से 20-30 सेकंड में हो जा रहा था, रूट लेना था नॉर्मल, एक्स की वैल्यू लेनी थी, मतलब 10-12 क्वेश्चन तो देखते ही हो रहे थे। फिर आगे चलो फिर थोड़ा टिपिकल आता, तो पहले ना जो हो रहे हैं उन क्वेश्चन पर ध्यान दें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने सर 60 समथिंग। सर लेवल कैसा लगा आपको? लेवल उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बाकी मैथ्स रीजनिंग में अगर जैसे टाइमिंग अपनी बराबर है तो कर सकते हैं। सर जीके का कोई क्वेश्चन याद हो तो बताइए। जीके जैसे नारा आया था, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, किसका नारा है, और कुछ प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा था अंग्रेजों ने, और उसके बाद अपना करंट से कुछ याद हो? करंट से तो याद नहीं, वो करंट से था एक कि मतलब अभी नाभिक की संलयन किस देश ने वो किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और सर मैथ में किस टॉपिक से याद आ रहा है? मैथ में एक तो DI है अपना, डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, और सरलीकरण आए सब्ट में? सरलीकरण है, दो तीन है। अच्छा, और तीन मैथ्स के ही उसमें अपनी सीरीज डाल दी थी उसने। हाँ, सीरीज। हाँ, 3-4 सीरीज। अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा, सरलीकरण के 2-3 क्वेश्चन थे लगभग। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास। हाँ, बोर्ड मास सही तो थे 2-3। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इसके थे मिश्रण के थे। अच्छा अच्छा। ट्रेन वगैरह? ट्रेन में उतना ज्यादा पूरा देख ही नहीं पाया। समय कार्य का भी है। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक से याद आ रहा है? रीजनिंग में आपका वही पजल्स है, बैठक व्यवस्था है, और अपना वो सीरीज दे दी जाती है ना, उसमें नंबर निकालने पड़ते हैं, मतलब कुल मिला के पजल से ज्यादातर। सर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आ रहा है? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। हाँ, हाँ, और सर कोई टॉपिक को बताइए रीजनिंग में? और बस यही है, बैठक व्यवस्था ज्यादा है उसमें। हाँ, वो तो अच्छा, मतलब बैंकिंग पैटर्न पे एक प्रकार से पूरा, मतलब इंग्लिश उतनी टफ नहीं है, अगर इंग्लिश में पढ़ी हुई है अगर आपने तो बनती है। आपके हिसाब से कितना कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ तो फिर भी अच्छा ही जाएगा पेपर। मतलब जिन लोगों को आगे एग्जाम, आपने कुछ बताना चाहेंगे? बस यही कि मैथ्स रीजनिंग में टाइम कवर करके चले तो हो जाएगा। जीके उतना टफ नहीं है, मतलब उतना ज्यादा अगर पढ़ा है तो टफ नहीं है। बाकी जीके के क्वेश्चन, मतलब अभी करंट अफेयर का तो लास्ट दिसंबर और जनवरी का ही आ रहा है, जो अभी निकला हुआ है दिसंबर और जनवरी बस। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? लगभग सभी अटेंड किए हैं। सभी? सर लेवल कैसा लगा? लेवल बहुत हार्ड था। मैथ में कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है? रीजनिंग, सभी क्वेश्चन 25-25 नंबर के आ रहे हैं। मैथ में किस टॉपिक से ज्यादा आए थे? रीजनिंग ज्यादा आई है। रीजनिंग का कोई सवाल बताइए। रीजनिंग में वही है कि A+B वाला अनुपात चाहिए, और अमाउंट में थे पजल आई थी, पजल भी आया था, A+ वाला भी। मैथ में सिंपलीफिकेशन आ रहा है? नहीं, इस बार क्या आया? लाभ हानि? नहीं, लाभ हानि बिल्कुल नहीं आया, सिर्फ अनुपात ज्यादा आया था, रेशियो ज्यादा आया था। अच्छा अच्छा। और सभी क्वेश्चन 25-25 नंबर के आए थे। इंग्लिश कैसी रही? इंग्लिश काफी हार्ड थी, जो इंग्लिश हिंदी मानने वाले हैं उनके लिए शायद मुश्किल जाएगा कि वो टफ मेहता प्रोनाउंसिएशन कर सके। अच्छा अच्छा। इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा फायदा। अच्छा अच्छा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।